हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुधरानिया क्लासेस। लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन से सॉल्व किया था, मेरे को जहाँ तक याद है हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों का होमवर्क भी वही था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 4। आई होप आप सब ने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज भी हमें क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करना है। स्टार्टिंग के 4 क्लास तक हमने कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया था, अब हम लोग सीखेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, चलिए तो आज हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, चलिए मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, हम लोग कौन सा बुक सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डी के गोयल, क्वेश्चन नंबर 5 ए, पेज नंबर है आपका 1.114, पेज नंबर 1.114। वो एडिशन के हिसाब से कुछ पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, पर आप लोग वो देख लेना। हम लोग बुक हमारा डीके गोयल है और हम लोग सॉल्व करने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का ए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है और सब मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016, ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। अच्छा, कमेंस्ड बिजनेस मतलब उन्होंने बिजनेस का शुरुआत किया, कमेंस्ड मतलब स्टार्ट करना। उन लोगों ने बिजनेस का क्या किया, शुरुआत किया। कितना कितना कैपिटल से शुरुआत किया बताओ, 6 लाख, 6 लाख एंड 2 लाख। तो इस तरह का सम्स को बनाने के लिए ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग करने से क्वेश्चन पूरा आसान हो जाता है, ठीक है। दो पार्टनर थे ए एंड बी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, कैपिटल। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। ये कैपिटल कब दिया हुआ है, 1/4/2016। अब बताओ मेरे को कैपिटल कितना कितना था। कैपिटल था हमारा 6 लाख एंड 2 लाख। अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है हम लोग उसे नोट डाउन कर रहे हैं। ओके, ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा, ये कब का बात हो रहा है, 31 मार्च 2019। हमारे पास कैपिटल कब का है, 1 अप्रैल 2016 का। चलिए आगे बढ़ते, 3 साल बाद की बात हो रहा है। ऑन 31 मार्च 2019 द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड वाज 2,40,000। हमने प्रॉफिट अर्न किया, हमने क्या अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया, ट्रेडिंग प्रॉफिट अर्न किया। अच्छा, ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या है, जो हमने बिजनेस करके ट्रेड करके जो प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, द प्रॉफिट विच इज़ अर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो हमने कितना ट्रेडिंग प्रॉफिट अर्न किया आप बताओ मेरे को, 2,40,000। कितना अर्न हुआ है ये, 2,40,000। अच्छा, ये प्रॉफिट क्या होगा, ये प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो भी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है या नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ याद होना चाहिए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो हम लोग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो हम लोग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप बताओ मेरे को, इक्वली। मैंने बताया था ना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट वी विल अज्यूम दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल और 1:1। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड दिया हुआ नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा या फिर इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। हम लोग को IOC लगाना है, हम लोग को क्या लगाना है, IOC एट द रेट क्या, 6% पर एनम। आगे बढ़ो, फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। हम लोग सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, किसको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं बताओ ना मेरे को, बी को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं बी को, 60,000 पर एनम। अच्छा, पर एनम मतलब पूरे साल के लिए। अच्छा, पर मंथ रहता तो वो पूरा, वो हर एक महीना हम लोग को चार्ज करना होता, पर यहाँ पे क्या बोला है, पर मंथ। यहाँ पे क्या बोला है, पर मंथ। तो पर मंथ है तो ये पूरा साल भर का सैलरी है। तो चलिए आगे बढ़ते, फिर क्या हुआ, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वेयर 60,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ड्रॉइंग्स भी गिवन है, हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा था सबका यूज़ होगा। ड्रॉइंग्स कितना कितना गिवन है बताओ ना मेरे को, 60,000 and 40,000 क्या,
40,000। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, हम लोग एकदम आगे बढ़ सकते हैं। चलो आप बताओ मेरे को, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग 2,000 एंड बी रुपीज़ 1,000। आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है या क्वेश्चन में दे दिया? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग कैलकुलेट करते, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट पोस्ट करेंगे। अच्छा, कितना कितना दिया हुआ है आईओडी? ए का दिया हुआ है 2,000 और बी का दिया हुआ है 1,000। ए का कितना? 2,000। बी का कितना? 1,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। Assuming that A and B are equal partners, देखो क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है चीख चीख के? कि A and B दोनों कैसा पार्टनर है? दोनों इक्वल पार्टनर है। दोनों कैसा पार्टनर है? इक्वल। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे दिया ना हमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया बताओ मेरे को? 1:1। चलिए पढ़िए आगे क्या बोल रहा है। प्रिपेयर द PL appropriation account and partners capital account। हम लोग से दो चीज़ मांगा है, हम लोग से दो चीज़ क्या क्या मांगा है? एक मांगा है PL appropriation, एक मांगा है partners capital। तो हम लोग दोनों ड्राफ्ट करेंगे। अच्छा, आप लोगों को मालूम है पहले क्या बनता है? PL appropriation, उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस आता है, फिर हम लोग उसको कहाँ भेजते हैं? कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये वर्किंग को कॉपी कर लो। अच्छा रुकिए एक सेकेंड, हमें ना एक सेकेंड कुछ कुछ कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि हम लोग IOC कैलकुलेट कर सकते हैं। IOC कितना परसेंट है? 6% पर एनम। यहाँ पे कितना था? 6,00,000 था। तो चलो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,00,000 इंटू 6/100, ये तो साल की शुरुआत में ही है, तो कोई मंथ का कैलकुलेशन तो होना नहीं है। तो आप बताओ ये मेरे को कितना हो गया? 0000 कट गया, 6,36,000। और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हाँ तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये था तुम्हारा 2,00,000 इंटू 6/100। तो 0000 कट गया, 6,22,12,000। आप लोग फिर से रिवाइज करो, मैंने क्या क्या बताया। कैपिटल गिवन है 6,00,000 एंड 2,00,000। PSR कितना? 1:1। प्रॉफिट हम लोग अभी नहीं बांटेंगे, प्रॉफिट हम लोग PL appropriation बनाएंगे तो बांटेंगे। अच्छा, प्रॉफिट के बाद क्या दिया हुआ है तुम्हारा? IOC 6% चार्ज करने बोला था। कैपिटल कितना था? 6,00,000। तो हम लोग फटाफट IOC निकालिए। 6,00,000 पे 6% और इधर 2,00,000 पे 6%, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी कितना गिवन था? 60,000 पर एनम था, ये 60,000 पर एनम था। ड्राइंग्स कितना? 60,000 और 40,000। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था ड्राइंग्स के लिए जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो दो केस होता है, व्हेन डेट इज़ गिवन और व्हेन डेट इज़ नॉट गिवन। अगर डेट इज़ नॉट गिवन है तो हम लोग ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाएंगे 6 मंथ्स का। कितना मैंने इंटरेस्ट लगाएंगे 6 मंथ्स का, पर यहाँ पे उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि IOD तो दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो हम लोग इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये पूरा वर्किंग को कॉपी कर लो, फिर हम लोग उसके बाद क्या बनाने वाले? PL appropriation और पार्टनर्स कैपिटल। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। हमें दो चीज़ मांगा है ना हमसे, दो चीज़ क्या क्या? एक तो मांगा है PL appropriation, PL appropriation अकाउंट। आप लोग पूरा appropriation लिखना, मैं नहीं लिखता हूँ, मेरा आदत नहीं है, पर आप लोगों को लिखना है। डेबिट और क्रेडिट PL appropriation का फॉर्मेट बनाएंगे, और हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे किसका? पार्टनर्स कैपिटल का। किसका फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल। मेरे को जहाँ तक याद है दो पार्टनर थे, ए एंड बी। फटाफट आप लोग फॉर्मेट कॉपी करो, डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे होगा पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए एंड बी। बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट याद वाद होगा नहीं, तो मैं फिर से वर्कशॉप में बता दे रहा हूँ। PL appropriation का नेचर कैसा है? नॉमिनल, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रूल क्या है? डेबिट में क्या जाता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या जाता है? इनकम एंड गेन। अच्छा, पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैपिटल एसेट है कि लायबिलिटी है बाबू? बोलो, पार्टनरशिप ये पार्टनर्स कैपिटल एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, मैंने बताया था। अगर लायबिलिटी बढ़ता है, अगर लायबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। इफ़ देयर इज़ अ इंक्रीज इन लायबिलिटी इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, एंड इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन लायबिलिटी इट विल रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। आप लोगों को ये याद होगा, फॉर्मेट बना लिया, मैंने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोस्टिंग। एक एक करके आप लोग मेरे को बताते जाना क्या क्या गिवन है, हम लोग उसको पोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले गिवन था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या गिवन था? पार्टनर्स कैपिटल। कितना कितना था पार्टनर्स कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल था हमारा 6,00,000 और 2,00,000। आप लोग वर्किंग देखना, अब आप लोग को बुक देखने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग वर्किंग देखना। वर्किंग में देखो, सबसे पहले कैपिटल लिखा हुआ था, कैपिटल कितना कितना था? 6,00,000 और 2,00,000। मेरे को बताओ ना, PL appropriation जाएगा क्या कैपिटल? नहीं, क्यों? क्योंकि PL appropriation में तो खर्चा बढ़ता है। PL appropriation क्या होता है? खर्चा बढ़ता है, तो कैपिटल तो PL appropriation में नहीं जाएगा। कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होगा?
कैपिटल अकाउंट में। अच्छा आप बताओ मेरे को, कैपिटल अकाउंट में डेबिट में रिकॉर्ड होगा कि क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा? ऑफकोर्स क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय। अच्छा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। आप लोग इस चीज़ को समझो, मैंने यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी क्यों लिखा, मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ आ सकता है, यहाँ पे कितना चीज़ आ सकता है? दो चीज़, या तो बैलेंस सीडी आता है या फिर आता है बाय बैंक या कैश। मेरी बात को बहुत ध्यान से नोट डाउन करना, यहाँ पे या तो बैलेंस सीडी आ सकता है या फिर यहाँ पे क्या आ सकता है? बाय बैंक या कैश। तो भैया कैसे मालूम चलेगा कब बैलेंस सीडी आएगा और कब कैश और बैंक आएगा? अगर बाबू बिजनेस नया नया चालू हुआ है, अगर बिजनेस क्या हुआ है? नया नया चालू हुआ है, अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग तुरंत पैसा लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आता है कैश और बैंक। लेकिन अगर बिजनेस पुराना है, बिजनेस अगर क्या है? पुराना है, तो हम लोग पुराना है मतलब हम लोग पिछले साल का बैलेंस को इस साल कैरी डाउन कर रहे हैं। पुराना है बिजनेस मतलब क्या? हम लोग पिछले साल का बैलेंस को इस साल क्या कर रहे हैं? कैरी डाउन कर रहे हैं। तो ध्यान दो, इसलिए उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। अब आप लोग को डिसीजन लेना है कि बिजनेस पुराना था कि बिजनेस नया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बिजनेस चालू कब हुआ था? 2016 में। बिजनेस चालू कब हुआ था? 2016 में। और हम लोग ये अकाउंटिंग कब कर रहे हैं? 2019 में। हम लोग अकाउंटिंग कब कर रहे हैं? 2019 में। तो बाबू ये नया चालू हुआ है कि पुराना बिजनेस है? पुराना बिजनेस है। तो बाय कैश या बैंक होगा कि बाय बैलेंस सीडी होगा? बाय बैलेंस सीडी होगा। अब आप लोग में से कोई भी कंफ्यूज मत करना, मैं फिर से बता दूं, कैपिटल का जो हम लोग ओपनिंग फिगर लिखते हैं, दो चीज़ आ सकता है, या तो बैलेंस सीडी या तो कैश या बैंक। कैश और बैंक कब? जब नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। बैलेंस सीडी कब? जब हम लोग पुराना बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस है? पुराना बैलेंस है, पुराना पहले से बिजनेस चलता आ रहा है। चलो आप लोग बताओ मेरे को कितना 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 था? 6 लाख और 2 लाख, 6 लाख एंड 2 लाख। इसको मैं मिटा देता हूँ, कैश और बैंक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके नीचे हमने क्या दिया हुआ था? PSR। उसके नीचे हमने क्या दिया हुआ था? PSR। PSR का कैलकुलेशन अभी नहीं, PSR का कैलकुलेशन होगा प्रॉफिट को बांटने के लिए। PSR का इस्तेमाल कब होने वाला है? प्रॉफिट को बांटने के लिए। PSR के बाद मैंने क्या लिखा था आप लोग बताओ मेरे को? PSR के बाद दिया था मैंने IOC। अच्छा चलिए, IOC लिखने से पहले एक चीज़ बताओ, मैंने PL अप्रोप्रिएशन में क्या सिखाया था? यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? बाय PL। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? बाय PL। ये कौन सा PL है? जो PL अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था। PL अकाउंट से कितना प्रॉफिट आया था? PL अकाउंट से प्रॉफिट आया था तुम्हारा, ट्रेडिंग प्रॉफिट था 2,40,000। कितना प्रॉफिट था? 2,40,000। ये प्रॉफिट आ गया PL अकाउंट 2,40,000। हम लोग इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खर्चा वर्चा जो भी आगे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला आइटम है IOC। सबसे पहला आइटम क्या है? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप लोगों को याद हो IOC का कॉन्सेप्ट, तो IOC इनकम है या IOC खर्चा है? बाबू फर्म को ये पैसा देना पड़ रहा है। फर्म को ये पैसा क्या करना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है। किसको? पार्टनर को। तो फर्म के लिए IOC क्या है? खर्चा है। फर्म के लिए IOC क्या है? खर्चा है। तो खर्चा को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बताओ हमको? एक्सपेंस एंड लॉसेज में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरीके से आप लिख दो। बताओ मेरे को किसका किसका इंटरेस्ट चार्ज करना है? दो पार्टी था ना, ए और बी। हमने कैलकुलेट कर लिया था कितना कितना था। बताओ मेरे को वैल्यू कितना कितना था? 36,000 एंड 12,000। ए में आएगा 36,000 एंड बी में आएगा 12,000। कितना कितना हो गया ये? 0, 6, 7, 8, 3 और 1, 4, 48,000। अच्छा एक चीज़ बताओ ना, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है, उसको नगद दे रहा है क्या, या फिर उसको बोलेगा तुम्हारा कैपिटल को इंक्रीज़ कर देंगे? क्या बोलेगा उसको? तुम्हारा कैपिटल को इंक्रीज़ कर देंगे। ध्यान दो, IOC का दूसरा एंट्री कहाँ होगा? कैपिटल अकाउंट में। IOC का दूसरा एंट्री कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल घट रहा है या कैपिटल बढ़ रहा है? कैपिटल बढ़ रहा है। तो डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जो आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? 36,000 एंड 12,000। IOC का दोनों एंट्री आपको समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, PL अप्रोप्रिएशन का डेबिट में क्या जाता है? खर्चा। फर्म के लिए IOC खर्चा है, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में सिखाया था। तो खर्चा को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, काम खत्म। ये से पार्टनर का इससे पूंजी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC के बाद अगला आइटम क्या लिखा था हमने वर्किंग में? सैलरी। सैलरी भी फर्म के लिए खर्चा है। सैलरी भी फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो बाबू खर्चा क्रेडिट या डेबिट? मेरे साथ एक पार्ट करो, बोलो क्रेडिट या डेबिट? क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेबिट टू सैलरी। टू सैलरी कितना को सैलरी दे रहे हैं? सिर्फ बी को दे रहे हैं, आई थिंक बी को दे रहे हैं। कितना सैलरी था बी का? 60,000। देखो वर्किंग से कितना फ़ायदा हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वर्किंग देख रहे हो, आइटम देख रहे हो, यहाँ पे पोस्ट कर रहे हो, है ना।
बी को सैलरी दी है, कितना सैलरी दी है 60,000, दैट्स इट, और तो नहीं था, तो आप इसको बाहर कर दो 60,000, 60,000, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, फर्म पार्टनर को सैलरी दे रहा है, नगद देगा या कैपिटल बढ़ा देगा, इसे ध्यान में रखो, फर्म कुछ भी नगद नहीं देता है, फर्म सीधा सीधे सब पैसा उसका पूंजी में बढ़ाते जाता है, पूंजी में क्या करते जाता है, बढ़ाते जाता है, तो बाबू सैलरी भी क्या होगा, पूंजी में बढ़ा देंगे, कैपिटल में बढ़ा देंगे, कैपिटल विल इंक्रीज, कैपिटल विल क्या इंक्रीज, तो ध्यान दो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, डेबिट या क्रेडिट इंक्रीज है बाबू, क्रेडिट होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सैलरी, बी को देना है, कितना देना है बी को 60,000, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अभी तक, कोई डाउट है क्या, नहीं, अच्छा सैलरी के बाद देखो क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स, सैलरी के बाद क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स, अच्छा ड्रॉइंग्स हम लोग प्रॉफिट से देते हैं क्या, नहीं ड्रॉइंग्स प्रॉफिट से तो हम लोग नहीं देते, ड्रॉइंग किससे निकलता है, पूंजी से होता है, ड्रॉइंग्स किससे होता है, पूंजी यानी कैपिटल से होता है ड्रॉइंग्स, तो चलो ड्रॉइंग्स की एंट्री कहाँ पे होगा, कैपिटल अकाउंट में, अच्छा ड्रॉइंग्स मतलब हम लोग कैपिटल क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, हम लोग कैपिटल क्या कर लिए हैं, विड्रॉ कर लिए बाबू, विड्रॉ कर लिए हैं तो क्रेडिट में जाएगा कि डेबिट में जाएगा, कैपिटल घट जाएगा, कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा मतलब डेबिट में आएगा, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ मेरे को, टू ड्रॉइंग्स, टू क्या ड्रॉइंग्स, बोलो कितना कितना ड्रॉइंग्स हुआ था, 60,000 and 40,000 ड्रॉइंग्स का एंट्री हो गया, अच्छा भैया ड्रॉइंग्स का एंट्री को पेल अप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं किया, ड्रॉइंग्स की एंट्री को पेल अप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं किया बताओ मेरे को, हम लोग ड्रॉइंग्स की एंट्री को पेल अप्रोप्रिएशन में इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि बाबू ड्रॉइंग मतलब हम लोग कैपिटल को निकाल लिए, किसके लिए निकाल लिए, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो हम लोग कैपिटल को निकाल रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, प्रॉफिट से कोई लेना देना, प्रॉफिट का इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं, तो प्रॉफिट में एंट्री होगा क्या, नहीं, देखो प्रॉफिट में क्या क्या एंट्री हुआ है अभी तक, पीएल जो आया था 240,000 लिख दिए थे यहाँ पे, हम लोग क्या आईओसी दिए थे, आईओसी तो प्रॉफिट से दे रहे थे, आईओसी किसे दे रहे थे, प्रॉफिट से, इसलिए एंट्री हुआ था, सैलरी किसे दे रहे थे, प्रॉफिट से दे रहे थे इसलिए एंट्री हुआ था, चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है, बस लास्ट आइटम है ना, लास्ट आइटम क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब आप लोग मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आप लोग को आईओडी का क्लास याद है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद है, तो आईओडी कौन देता है, किसको देता है, आईओडी दे रहा है पार्टनर, आईओडी दे रहा है कौन, पार्टनर, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, मतलब बिजनेस को ये पैसा मिल रहा है, बिजनेस को ये पैसा क्या हो रहा है, तो अब बिजनेस को अगर पैसा मिलेगा तो उसके लिए एक्सपेंस या लॉस है या इनकम या गेन है, इनकम या गेन है, आप लोगों को याद होना चाहिए, तो इनकम बाबू हम लोग को कमाई हो गया, कमाई होगा तो डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब मैंने अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, अगर किसी को डाउट होता मेरे पहले वीडियो पे जाकर वहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट वीडियो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कौन कौन है, ए है और बी है, कैलकुलेट करना है या दिया हुआ है, दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 2,000 और 1,000, 2,000 and 1,000, ये कितना हो गया, 3,000, अच्छा सुनो ना, कौन दे रहा है किसको, पार्टनर दे रहा है किसको, पार्टनरशिप फर्म को या बिजनेस को, अच्छा पार्टनर नगद देगा या बोलेगा मेरा पूंजी से काट लो, बताया ना बाबू, पार्टनर कोई नगद ट्रांजैक्शन नहीं करता है, पार्टनर को अगर मिलने वाला रहता है तो पार्टनर बोलता है मेरा कैपिटल में चढ़ा दो, मेरा कैपिटल को बढ़ा दो, या फिर अगर पार्टनर को अगर देना होता है तो पार्टनर क्या बोलता है, मेरा कैपिटल को रिड्यूस कर दो, मेरा कैपिटल को क्या कर दो, रिड्यूस, तो पार्टनर दे रहा है, पार्टनर क्या क्या दे रहा है बताओ मेरे को, 2,000 और 1,000, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो फर्म को दे रहा है ना, उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा तो क्रेडिट या डेबिट, डेबिट, डेबिट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आज का क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो इससे पहले जिन्होंने सारा कॉन्सेप्ट वीडियोस किया हुआ है, क्योंकि उसी में मैंने सबका कॉन्सेप्ट बताया था, चलिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए में कितना 2,000, बी में कितना 1,000, हमने सारा आइटम पोस्ट कर लिया, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, अब यहाँ तक कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना सीखेंगे, हाँ तो यहाँ तक पोस्टिंग हो गया, तो चलिए हम लोग का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सीखना होगा बैलेंस कैसे करते हैं, अब लोग बहुत ध्यान से समझे, हम लोग सीख रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, देखो बैलेंस कैसे करना है ना, हम लोग पहले दोनों तरफ टोटल करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, टोटल करेंगे, आइए चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैं ऊपर का कुछ पार्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, जैसे कि ये सब, टोटल करके हम लोग रफ में लिखेंगे कौन सा वैल्यू कितना है, आप लोग बहुत ध्यान से समझो बैलेंस कैसे होता है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताओ मेरे को क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 2,40,000 और 3,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 243, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 243, अच्छा अब आप लोग बताओ मेरे को डेबिट साइड का टोटल कितना है, डेबिट साइड का टोटल है तुम्हारा 60,000 और 40,000, 1,00,000 तो 1,08,000, 1,08,000,
आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्रेडिट साइड कौन सा साइड था बाबू? इनकम का साइड था। डेबिट साइड कौन सा साइड था? एक्सपेंस का साइड था। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों तरफ कौन सा अमाउंट लिखाएगा जो ज़्यादा है, दोनों तरफ कौन सा अमाउंट लिखाएगा जो ज़्यादा है। तो दोनों से ज़्यादा कौन सा है? 1,08,000 ज़्यादा है कि 243 ज़्यादा है? 243। तो यहाँ पे आराम से दोनों तरफ लिख देंगे क्या क्या, 243 और 243। ये लाइन आप लोग को समझ में आया कैसे बैलेंस करना है? पहले आप लोग क्या करो, क्रेडिट का टोटल लिखो, फिर आप लोग क्या लिखो, डेबिट का टोटल लिखो, फिर दोनों में देखो ज़्यादा कौन सा है। जो ज़्यादा है उसको दोनों तरफ पोस्ट कर देंगे, जो ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, दोनों तरफ पोस्ट कर देंगे। अब आप लोग बताओ ना मेरे को, ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो जो बैलेंस है, जो कमी है वो क्रेडिट तरफ है, वो डेबिट तरफ है, वो किधर है, वो डेबिट तरफ। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये कमी कितने का, ये कमी कैसे निकलेगा बताओ मेरे को। डेबिट तरफ का टोटल कितना था? डेबिट तरफ का टोटल था 1,08,000, यहाँ पे कितना है? 243। तो आप लोग बताओ मेरे को कितना का कमी है? 243 है यहाँ पे, ये सबको जोड़ के कितना आया था? 1,08,000। 1,08,000 कितने का कमी है? 1,35,000। कितने का कमी है ये? 1,35,000। अगर हम लोग को यहाँ पे 243 चाहिए तो यहाँ पे हम लोग को कितना पुट करना पड़ेगा? 1,35,000। अब क्वेश्चन है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, तो आप लोग बुद्धि लगाओ। ज़्यादा कौन सा था? 243। इनकम 243 था, खर्चा कितना था? 1,08,000। बचा कितना? 135। इनकम ज़्यादा, खर्चा कम, तो ये जो बचा है वो हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट आ गया, कितना प्रॉफिट आ गया? 1,35,000। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था बताओ? ये प्रॉफिट क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। ये प्रॉफिट क्या होता है? ट्रांसफ़र। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बाबू? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन कौन से कैपिटल अकाउंट में? एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को फिर से समझना होगा प्रॉफिट कितना आया है, 135 में प्रॉफिट दोनों को देना है, ए को भी देना है और बी को भी देना है। अच्छा, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना था? इक्वल था। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या था? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1। तो ये जो 135,000 है ये इक्वल इक्वल बटेगा, ये किस में बटेगा? इक्वल इक्वल। किस में, किस में इक्वल? ए को भी उतना ही मिलेगा, बी को भी उतना ही। तो बाबू 135 को अगर इक्वल इक्वल बांटे तो कितना आता है? 67,500। अच्छा कैसे आया भैया, कैलकुलेशन करके दिखाइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 135 था, इसको बांटना है कितने हिस्सों में बांटना है? इसको दो हिस्सों में, टू से डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया? 67,500। तो ए को भी कितना मिलेगा? 67,500। बी को भी कितना मिलेगा? 67,500। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 67,500। काम ख़त्म, प्रॉफिट बैठ गया। ये प्रॉफिट अब कहाँ चल जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। आप लोग बताओ, प्रॉफिट मिल रहा है, कैपिटल घट जाएगा या कैपिटल बढ़ जाएगा? कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कैपिटल विल इंक्रीज। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, अच्छा प्रॉफिट लिखेंगे क्या? नहीं, जिस लेजर से आया है उस लेजर का नाम लिखेंगे। किस लेजर से आया है ये? पीएल अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले? बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट आया बताओ मेरे को? 67,500। यहाँ पे भी कितना? 67,500। क्लियर है ये? अब सिमिलरली इसको भी बैलेंस करेंगे। जैसे हमने पीएल अप्रोप्रिएशन को बैलेंस किया, वैसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं? कैपिटल अकाउंट को भी बैलेंस करने वाले हैं। बैलेंसिंग का वही सेम रूल, बैलेंसिंग का वही सेम रूल है। आप लोग ध्यान दो, पहले क्या करो आप, पहले आप क्या करो, दोनों का टोटल करके लिखो कौन सा कितना है। तो पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड का टोटल, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट में भी दो बंदा है ए और बी, क्रेडिट में भी दो बंदा है ए और बी। तो चलिए टोटल करते हैं। यहाँ पे क्रेडिट में ए का कितना टोटल हो रहा है? 6,00,000 और ये 67,500 और 36,000। तो इसको टोटल करने से आएगा आपका 500,6 और 7, ये हो गया आपका 13, कैरी 1, 6, 7, 8, 9, 10, सही है क्या? 7,03,500। ये मैंने कैसे लाया? सबको टोटल कर दिया, सबको क्या कर दिया? टोटल। अच्छा, बी को सबको टोटल करो, ये है 2,00,000, ये कितना है? 12,000। 12,000 और 60 तुम्हारा क्या? 72,000। अच्छा डायरेक्ट टोटल करते हैं, 500,20 और इधर 7, 8, 9, इधर 0, 1, 6 और 1, 7, 7 और 6, 13, कैरी 1, 2 और 1, 3, सही है क्या? सही है क्या?
3,39,500। ये वैल्यू कैसे आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को टोटल किया। दोनों को क्या किया है? टोटल। क्रेडिट साइड में ए का टोटल 7,03,500, बी का टोटल 3,39,500। चलिए डेबिट साइड में टोटल करते हैं। इसका टोटल कितना हो रहा है? 62,000। बी का टोटल कितना हो रहा है? 40,01,41,000। क्लियरली विजिबल है डेबिट वाला ज़्यादा है या क्रेडिट वाला ज़्यादा है? क्रेडिट वाला ज़्यादा है। जो ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिखेंगे, जो ज़्यादा है उसको दोनों तरफ। चलिए बताइए यहाँ पे कितना, 703,500। यहाँ पे भी कितना, 339,500। सेम अमाउंट यहाँ पे भी लिखाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस होगा। तो चलिए लिखते हैं कितना, 703,500। यहाँ पे भी कितना, 339,500। यहाँ पे मैं बैलेंस करूँ, बैलेंस करने में क्या लिखेंगे बताओ? टू बैलेंस सीडी। ये टू बैलेंस सीडी क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये जो कैपिटल पैसा बचा है अभी अगले साल क्या हो जाएगा? कैरी डाउन हो जाएगा। यहाँ पे बीडी होता है, माई मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे ब्रॉड डाउन होता है, मैंने गलती से लिख दिया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी। हम लोग पिछला साल का ब्रॉड डाउन किया, अभी ये वाला पैसा हम लोग क्या करने वाले? कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब नेक्स्ट ईयर लेके जाने वाले। ठीक है, चलिए बताइए बैलेंस सीडी कितना कितना यहाँ पे कितना है? 7,03,500। वो बंदा कितना निकाल दिया? 62। उसका था कितना? 7,03,500। वो बंदा कितना निकाल दिया? 62। तो यहाँ पे कितना बचा बताओ मेरे को? यहाँ पे हमारा बचेगा 6,41,500। कितना बचेगा ये? 6,41,500। ये अमाउंट कैसे आया? मैंने इस फिगर से 7,03,500 से क्या किया है? माइनस किया है। किसको माइनस किया है? 62,000। 62,000 कहाँ से आया? 60 प्लस 2,000। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए यहाँ पे भी क्या करना है, 3,39,500 है, इससे हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? 41,000 को। किसको माइनस करने वाले हम लोग? 41,000। तो 41,000 माइनस करने के बाद आएगा 2,98,500। 2,98,500। खत्म। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग सबको रिवाइज करो, इस क्वेश्चन में था कॉन्सेप्ट क्या क्या था। सबसे पहले हमारे पास था कैपिटल। सबसे पहले हमारे पास क्या था? कैपिटल। हमने क्या किया? कैपिटल को ब्रॉड डाउन कर दिया। कैपिटल को क्या कर दिया? ब्रॉड डाउन। इसे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे दो चीज़ लिख सकते हैं, या तो बैलेंस बीडी लिखाता है या तो कैश और बैंक लिखाता है। कैश और बैंक कब लिखाता है? जब नया बिजनेस हो। और बैलेंस बीडी कब लिखाता है? जब पुराना बिजनेस हो। कोई दिक्कत है क्या? ये बिजनेस नया है या पुराना है? ऑफ कोर्स पुराना है, क्योंकि स्टार्ट कब हुआ था ये? 2016 में। कैपिटल आ गया। कैपिटल के बाद था PSR। कैपिटल के बाद क्या था? PSR। PSR का यूज़ कहाँ पे? प्रॉफिट को बांटने के लिए एट दी एंड। PSR के बाद क्या था हमारा बताओ? PSR के बाद था हमारा ये, हमने लिखा था प्रॉफिट। हमने क्या लिखा था? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? 2,40,000। 2,40,000 हमने पुट कर दिया। फिर आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात। फिर किसका बताया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, तो हमने डेबिट तरफ लिखा। पार्टनर को मिल रहा था ये पैसा, पार्टनर को क्या हो रहा था? मिल रहा था, तो पार्टनर में हमने बढ़ा दिया। फिर सैलरी फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर को मिल रहा था। इसके बाद क्या हुआ? IOD, पार्टनर दे रहा है तो फर्म के लिए इनकम है। फर्म के लिए क्या है? ये इनकम। तो फर्म ने इधर लिखा दिया क्रेडिट तरफ, और पार्टनर का कैपिटल घट गया तो इसने इधर लिखा दिया। ड्रॉइंग से भी पार्टनर का कैपिटल घटता है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर हमने कुछ नहीं किया, हमने सबको बैलेंस कर दिया। हमने सबको क्या कर दिया? बैलेंस। कोई दिक्कत है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं ऐड करें। ओके।